हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम मेनुका विश्वकर्मा है और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। तो आज मैं ये ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कमेंट्स में भी और इंस्टाग्राम पे भी कि बोल रहे हैं कि फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म उनको जानना है केंद्रीय हिंदी संस्थान के बारे में। तो कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अभी फॉर्म निकला है या नहीं, तो मैं बस इससे जुड़ी कुछ बातें मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ। अभी फॉर्म नहीं निकला है, मतलब जो 2023 का जो लेना था, जो स्टूडेंट्स जितने एडमिशन मतलब वगैरह हो गया, क्योंकि देखिए ये जो ईयर है वो तो ख़त्म होने वाला है। अब कुछ ही महीने बचे, एक ही महीने बचे ईयर का ख़त्म होने के लिए, तो कोई चांस ही नहीं कि फॉर्म निकले। तो इस साल का 2023 का ख़त्म हो चुका है, अब है मतलब 2024 का निकलेगा। और ये जो है फॉर्म जब भी निकलती है ये ईयर का शुरुआत में निकलता है, जैसे कि जनवरी तो नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है फरवरी या फिर मार्च तक निकल जाती है। तो आप लोग मत घबराइए, मैं कोई भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ इससे जुड़ी फॉर्म के विषय में या फिर एग्ज़ाम के विषय में कुछ भी, तो मैं आप सभी से जरूर मैं आप सभी को जरूर शेयर करूँगी, ज़रूर मैं आप सभी को बताऊँगी। तो आप लोग मत घबराइए इस चीज़ को लेकर कि फॉर्म निकल गया है या फिर निकला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फॉर्म निकलने के लिए बहुत टाइम है, मतलब टाइम तो नहीं है, मतलब दूसरा साल तो आने वाला है, 2024 तो आने ही वाला है। तो 2024 से जब मैंने अभी कुछ दिन पहले चेक किया था वेबसाइट में, तो वहाँ पर दिखाया था कि शायद मार्च में। तो मैं आप सभी को जो वो है मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, आप लोग देखिएगा। तो 2024 में मार्च में फॉर्म निकलने वाला है, तो जब भी निकलेगा कुछ भी होगा तो मैं इससे जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मत घबराइए, अभी नहीं निकला है फॉर्म। और एक बात, जब मैं यहाँ एडमिशन ली थी, मैंने यहाँ 2022 में एडमिशन लिया है और अभी मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मैं पारंगत में हूँ, द्वितीय वर्ष मतलब सेकेंड ईयर में हूँ अभी। तो जब मैं यहाँ एडमिशन ले रही थी तब मुझे भी यही चीज़ों का सामना करना पड़ा कि कुछ भी मुझे पता नहीं चलता था, ना मैंने कभी ये हॉस्टल को भी नहीं देखा था। मतलब जो मुझे गूगल में कुछ फ़ोटोज़ मिले थे, बस मैंने वही थोड़ा बहुत मुझे वही देखने को मिला, कहीं मुझे यूट्यूब में कुछ वीडियो वगैरह भी नहीं मिला। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ ताकि जो पहले आए तो उनको पता चले कि हाँ यहाँ ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा है, ये जगह ऐसा है। तो मैंने ये सोच के अपना यूट्यूब चैनल में मैंने ऐसा वीडियो वगैरह अपलोड करना मैं शुरू की थी। तो आप लोग मत घबराइए, इससे जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम से लेकर फॉर्म फिलअप से लेकर, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी छोटी से छोटी बातें, आप लोग मत घबराइए। और आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बातें जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। लेकिन अभी कोई भी फॉर्म नहीं निकला है, अब निकलेगा 2024 में। तो ठीक है, आप सभी मुझे ज़रूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा ताकि मैं बताऊँ, ताकि मैं आप सभी का हेल्प करने का कोशिश कर सकूँ। और मुझसे जितना हो सके मैं करने का कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे उतना टाइम तो मिलता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो आप लोग मुझे कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। तो आप लोग मत घबराइए, फॉर्म जब भी निकलेगा मैं आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो नहीं निकलेगा, 2024 में ही निकलेगा। तो यदि आप लोग हमेशा ऐसे कुछ भी बातें को बातें आप लोग इससे जुड़े केंद्रीय हिंदी संस्थान से जुड़ी आप लोग ब्लॉग देखना चाहते हैं या फिर चाहे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कब कौन सा वीडियो अपलोड किया है। और आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।